दोस्तों, अगर आप Redmi का फ़ोन यूज करते हैं और अपने Redmi के फ़ोन में अपने पसंद के फ़ोन इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को यही बताने वाला हूँ कि अपने Redmi के फ़ोन में अपने पसंद के फ़ोन को किस तरह से इंस्टॉल और यूज कर सकते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर आखिर तक पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अपने Redmi के फ़ोन में फ़ोन स्टाइल को चेंज करने के लिए यानी कि अपने पसंद के फ़ोन को इंस्टॉल करने के लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले तो आपको अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन लेना है। अपने फोन की सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे की साइड जाना है, तो यहां पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डिस्प्ले के नाम से। आपको सिंपली डिस्प्ले वाले ऑप्शन को टैप करना है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे आपको यहां पर कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है, तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे की साइड आ जाना है। नीचे की साइड आएंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं आपको सिस्टम फोन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको सिंपली इस पर टैप करके इसको ओपन कर लेना है। जैसे आप इस पर टैप करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको बेस्ट ऑफ 6 फोन का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, यानी कि यहां पर आपको 6 तरह की कैटेगरी दिखती है जिसमें कि मल्टीपल फोन आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि इसमें से किसी भी एक कैटेगरी को मैं यहाँ पे ओपन करके आपको दिखाऊंगा तो इसमें आपको यहाँ पे काफी सारे फोन देखने को मिलेंगे। अब इसमें से आपको जो भी फोन पसंद आता है जिसे आप अपने फोन में यूज करना चाहते हैं आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको और भी ज्यादा कैटेगरीज की जरूरत है तो आप इसको यहाँ से बैक ले लीजिए और आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे की साइड आना, यानी कि 6 कैटेगरी तो हमें यहाँ पे ऊपर ही देखने को मिल चुकी थी। इसके अलावा आपको कुछ और कैटेगरी नीचे देखने को मिल जाती है, जैसे कि आउटलाइन एयरलाइंस के नाम से आपको यहाँ पे कैटेगरी मिलती है जिसमें कि आपको इस तरह के फोन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा नीचे की साइड आएंगे तो टाइपराइटर फोन के नाम से आपको एक और कैटेगरी देखने को मिलेगी, इसमें भी आपको काफी सारे फोन देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद आपको फैंसी फोन के नाम से कैटेगरी मिलती है, इसमें भी आपको काफी सारे फोन यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इसी तरह से यहाँ पे आपको काफी सारी कैटेगरीज मिल जाती है, इनमें से किसी भी फोन को आप बिल्कुल फ्री में अपने फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से किसी एक फोन को सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे कि सपोज कीजिए मुझे यहाँ पर कोई भी एक फोन में जैसे कि सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आप प्रॉक्सिमा सॉफ्ट के नाम से फोन है और मुझे अच्छा लग रहा है, मैं इसे अपने फोन में इंस्टॉल करना चाहता हूं, तो मैं इसको यहां से सिलेक्ट करूंगा। जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहां पर आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं, ऊपर की साइड कुछ स्क्रीनशॉट आपको देखने को मिल रहा है। चलिए मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं अगर इस फोन को आप यूज करते हैं तो आपके फोन में यह फोन इस तरह से नजर आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से इसके पूरे स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं, आपके कीबोर्ड में किस तरह का नजर आएगा, यहाँ पर इस फोन की स्टाइल आप देख सकते हैं। तो चलिए इसको यहाँ से बैक ले लेता हूँ। अब इसमें से आपको जैसे कि ये फोन अच्छा लग रहा है तो इसको आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको एक बटन नजर आ रहा होगा जिस पर कि फ्री लिखा हुआ है, आपको सिंपली इस फ्री वाले बटन पर टैप करना है। जैसे आप इस बटन पर टैप करेंगे तो ये फोन आपके फोन में डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। चलिए इसको डाउनलोड होने देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा फोन डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड होने के बाद आपको यहाँ पे अप्लाई का बटन मिलेगा, आपको अप्लाई बटन पर टैप करना होगा। यहाँ पर आपको इसको टैप करने के बाद यहाँ पर नीचे की साइड लिखा हुआ रिबूट टू अप्लाई दिस थीम फॉन्ट, यानी कि अगर आप इस फोन को अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अपने फोन को रिबूट करना होगा। जैसे आप इस बटन पर टैप करेंगे आपका फोन रिबूट हो जाएगा, यानी कि आपका फोन बंद होकर दोबारा से चालू हो जाएगा, फोन आपके फोन में इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन इस टाइम पे मैं इसको रिबूट नहीं कर सकता क्योंकि आपको पता है कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। अगर मैं इसको रिबूट कर दूंगा तो मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पे सेव नहीं होगी। लेकिन मैंने आपको तरीका बता दिया, इस तरह से आप अपने पसंद का कोई भी फोन अपने Redmi के फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको प्रोसेस ठीक से समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।